नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। अक्सर पति पत्नी के बीच नोकझोंक के चलते विवाद होना तो आम बात है, हालांकि ये नोकझोंक कई बार उनके बीच के प्रेम को और भी मजबूत कर देते हैं। शादी एक ऐसा बंधन है जिसे सबसे पवित्र माना गया है। शादी के वक्त एक दूसरे के साथ लिए गए 7 फेरों में पति पत्नी एक दूसरे को कई वादे करते हैं। उनमें से एक वादा होता है एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और वफाई का। लेकिन अब ये वादा सिर्फ मुंह से निकले हुए कुछ शब्दों के अलावा और कुछ नहीं रह गए हैं, क्योंकि जिस तरह से आए दिन पति पत्नी के बीच बेवफाई और एक दूसरे को धोखे में रखकर किसी तीसरे के साथ रंग रंगलिया मनाते हुए पकड़े जाते हैं, तो वो ना केवल एक दूसरे को धोखा देते हैं बल्कि शादी जैसे पवित्र बंधन को दागदार कर देते हैं। कई बार तो ऐसे मामले में बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बात तलाक या फिर खून खराबे तक पहुंच जाती है। इस बीच एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के रीवा शहर से सामने आया है, जहां रविवार को देर शाम बीच चौराहे पर उस वक्त हंगामा मच गया जब एक महिला अपने ही पति को जमकर पीटती हुई नजर आई। करीब आधे घंटे तक यह हंगामा चलता रहा। यह मामला भी पति पत्नी और वो का था। हालांकि मामला बढ़ता देख आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। विवाद होता देख प्रेमिका मौका देखकर वहां से फरार हो गई। तो आइए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल ये मामला संजय गांधी अस्पताल परिसर का है, जहां वार्ड बॉय के रूप में पदस्थ एक व्यक्ति शाम को प्रेमिका के साथ सुनसान जगह बैठकर रंगरलिया मना रहा था। लेकिन उसकी शामत तो तब आई जब पत्नी को उसकी भनक पड़ गई। फिर क्या था, अचानक पत्नी वहां पहुंच गई। पत्नी को देखकर तो उसके पति के होश ही उड़ गए। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही पत्नी उस पर टूट पड़ी और उसकी जमकर पिटाई कर डाली। यही नहीं, पति ने भी पत्नी के बाल पकड़कर उसे पीटा। दोनों में इस तरह काफी देर तक झगड़ा होता रहा और एक दूसरे से गुत्थम गुत्था करते रहे। आइए आप भी देखिए ये वीडियो और देखिए कि जब घर की लक्ष्मी अपने पति के बेवफाई के बाद मां काली का रूप धारण करती है तो किस तरह का मंजर देखने को मिलता है। तो देखा आपने, इस दौरान चौराहे पर तमाशाबीन का जमकर लग गया। कुछ स्थानीय लोगों ने किसी तरह से दोनों को अलग कराया और मामला शांत कराया। महिला का कहना था कि उसे पहले से ही पति पर शक था, लेकिन आज रंगे हाथों पकड़ लिया। हालांकि मामले में कोई पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जिस तरह से पत्नी ने इस वीडियो में अपने पति की धुनाई की है वो कानूनी रूप से गलत है और हम उसका समर्थन कभी नहीं करते। महिला कानूनी रूप से भी न्याय मांग सकती थी, अपने बेवफा पति से तलाक ले सकती थी, लेकिन इस तरह से कानून हाथों में लेकर उसने गलत किया। ना सिर्फ कानूनी लिहाज से बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी, क्योंकि इस मारपीट में अगर कोई अनहोनी हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। वैसे इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।